फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में लेटेस्ट पार्टी वेयर काफ्तान की कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैं आपको बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से काफ्तान तैयार करना बताऊँगी। काफ्तान को यहाँ पर हमने डिज़ाइन किया है बॉक्स प्लेटेड गरारे के साथ। गरारे की कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोग के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वीडियो का। तो आज मैं आपको बॉक्स प्लेटेड गरारे के साथ काफ्तान बनाना सिखाऊँगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी साइज़ का काफ्तान बहुत ही इजीली बना सकते हो। टिप और ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। प्रिंटेड फैब्रिक में से हम अपना काफ्तान तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.25 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। आप प्रिंटेड या प्लेन किसी भी तरीके फैब्रिक में से इसको तैयार कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, इस तरह का हैवी फैब्रिक है विदाउट लाइनिंग वाला। तो यहाँ पर बिना लाइनिंग वाले फैब्रिक में से मैं तैयार कर रही हूँ। हैवी जॉर्जेट है प्रिंटेड हमारी ये। फैब्रिक को यहाँ पर मैंने अच्छे से बिछा। फैब्रिक की लेंथ है 45 इंच और इसकी विड्थ है 44 इंच। फैब्रिक को यहाँ पर हमने लंबाई में इस तरीके से फोल्ड कर कर बिछाया है। ये इसकी फोल्डेड साइड है और ये है इसकी ओपन साइड, यानी कि किनारे वाली साइड। लेंथ वाइज इसको हमने 2 फोल्ड करके रखा है फैब्रिक को। काफ्तान की रेडी लेंथ है 36 इंच, जिसमें हम 1 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे तो हम 37 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच मार्जिन का हमने नीचे से फोल्ड करने के लिए लिया है। तो देखिए, 37 इंच पर निशान लगाया। अब यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। इसको यूज़ करेंगे हम नेक बनाने के लिए। आप जब भी काफ्तान बनाएं तो उसमें थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लेंथ में, क्योंकि जब हम काफ्तान कुर्ती बनाते हैं और काफ्तान बनाते हैं तो उसमें ये फ़र्क होता है कि कुर्ती के साइड में से फैब्रिक बच जाता है लेकिन काफ्तान के साइड से फैब्रिक नहीं बचता। तो आप नेक बनाने के लिए फैब्रिक एक्स्ट्रा लें। अब हम इसको विड्थ वाइज इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए, 4 फोल्ड करके रखा है। इसकी 4 लेयर इस तरीके से आएंगी फोल्ड होने के बाद। अब हम इस पर मार्किंग स्टार्ट करेंगे। इसकी विड्थ देखिए, यहाँ पर 22 इंच इसकी विड्थ है। सबसे पहले हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर नेक की विड्थ लेंगे 2.5 इंच और इसकी लेंथ यहाँ पर लेंगे 5 इंच। ये बैक नेक के लिए यहाँ पर हम मार्किंग कर रहे हैं। डीपनेस जो हमने ली है 5 इंच, ये हमारी बैक नेक की है। 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, यानी कि 2.5 इंच का, और एक फॉक्स बनाकर नेक को शेप देंगे। तो बैक नेक को यहाँ पर हमने राउंड शेप दी है और इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ ऊपर वाली साइड हम इस पर कट लगाएंगे। यहाँ पर कट लगाना आप बिल्कुल ना भूलें। इस कट से ही हम अपने फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर इसको खोल के रखा, इससे इसको फोल्ड करेंगे। अब जो हमने कट लगाए थे इन कट को मिलाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने कट लगाए थे, इन कट को इस तरीके से मिलाएंगे। ये कट लगाने से हमारे फ्रंट नेक की बहुत ही इजीली कटिंग हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे कट है। इस कट से नीचे की साइड फ्रंट नेक की लेंथ का निशान लगाएंगे। यहाँ पर ली है 5.5 इंच, यानी कि 5.5 इंच, और यहाँ पर मैंने नेक को, फ्रंट नेक को देंगे 5 शेप। यहाँ पर और हम 5 वाली शेप में नेक को यहाँ पर कट करेंगे। और यहाँ पर शेप देने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो नेक है वो कट हो चुका है। बैक नेक हमने यहाँ पर राउंड रखा है और फ्रंट नेक को 5 शेप दी है। तो इस तरीके से हमारा नेक कट हो चुका है। अब हम इसको एक बार और इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पर इसको रखा था, यानी कि 4 फोल्ड यहाँ पर हमारा फैब्रिक होना चाहिए। नेक की यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे आर्म होल्स की लेंथ का। आर्म होल की लेंथ का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। नॉर्मल कुर्ती जब हम कटिंग करते हैं तो उसके लिए पहले हम तीरे का निशान लगाते हैं, यानी कि शोल्डर्स का, लेकिन काफ्तान में हम डायरेक्टली लगाते हैं आर्म होल्स का। आपको यहाँ पर शोल्डर्स के निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आर्म होल की लेंथ का निशान लगाएं, जो लगा रहे हैं हम 6.5 इंच पर। अगर आपके नेक की डीपनेस 5 इंच से कम है तो आप यहाँ पर आर्म होल्स की लेंथ
7 इंच रखिए। अगर 5 इंच से 6 इंच तक है तो आप 6.5 इंच रखिए। तो यहाँ पर हमने लगा लिया। अब चेस्ट की और कमर की फिटिंग का लगाएंगे। चेस्ट की फिटिंग लगाई है हमने 9.5 इंच और कमर के लिए 7 इंच लिया और यहाँ पर लगाई हमने 8 इंच कमर की। आर्मोर की लेंथ के नीचे से हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 14 इंच पर, जिस तरीके से हम कुर्ती पर लगाते हैं। यहाँ से लेंगे हम 10 इंच, 10 इंच पर लगाएंगे हम फिटिंग का निशान। ये देखिए यहाँ पर हमने, और इन निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे। इस निशान को मिलाएंगे कमर के निशान से और नीचे की साइड यहाँ पर ए शेप देते हुए हमें अपने इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर ए शेप को इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ए लाइन यहाँ पर हमने शेप दी है और देखिए नीचे की साइड से इसकी विड्थ आ रही है 14.5 इंच। तो यहाँ पर हमने एक साइड फिटिंग का निशान लगा लिया है और दूसरी साइड भी इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड हम इस निशान को ट्रेस कर लेंगे। इस तरीके से रखने के बाद हाथों से हम यहाँ पर इस तरीके से टैप टैप करते हुए दूसरी साइड निशान को ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने दूसरी साइड निशान को ट्रांसफ़र कर लिया है। मैं आपको ये निशान थोड़ा डार्क करके दिखाती हूँ जिससे आपको अच्छे से नज़र आ जाए। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड फिटिंग का निशान लगा लिया है। तो यहाँ पर हमने नेक की भी कटिंग कर ली है और फिटिंग का निशान लगा लिया है। फिटिंग के निशान में हमारा जो आर्मो की लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा मेन है। मैंने आपको अच्छे से बता भी दिया है आपको किस तरीके से लेनी है। तो अब हम इसका नेक तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नेक बनाने के लिए क्रॉस स्ट्रिप यानी कि उरे पट्टी ली है जिसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई 2 इंच है। अब हम इस पट्टी को अपने नेक पर अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर राउंड में, हम यहाँ पर राउंड में इस पट्टी को ऐसे ही अटैच कर लेंगे। यहाँ पर इस पर सिलाई लगा कर तैयार करेंगे। तो देखिए सिलाई लगा ली है और इस पर हमने कट भी लगा लिए हैं। अब इस पट्टी को अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। बैक साइड पर हम इस पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे यानी कि सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से पट्टी को हम बैक साइड पर पलटेंगे और इस पर हमें सिलाई लगाकर अपने नेक को तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करना है यानी कि इस तरीके से मोड़ते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। पूरी पट्टी को ऐसे ही नेक पर फोल्ड कर कर हम अपना नेक तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपने नेक को तैयार कर लिया। ये देखिए इस तरीके से हमारा जो नेक है वो तैयार है। फ्रंट और बैक दोनों ही नेक हमने यहाँ पर तैयार किया है। नेक पर लगाने के लिए यहाँ पर मैंने ये फ्लावर की लेस ली है। इस लेस को यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ मीटर ये लेस ली है और बाकी के जो फ्लावर, ये ऊपर की साइड हमारे दो फ्लावर बचे हैं लेस के, इनको यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पर पूरे पर ऐसे ही सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाकर यहाँ पर लेस को नेक पर अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम सुई धागा लेंगे। सुई धागे से यहाँ पर हम अपनी लेस को अच्छे से, यहाँ पर क्योंकि मैंने एक सेंटर में ही सिलाई लगाई थी, अब इस लेस के हम चारों तरफ इस फ्लावर पर छोटे छोटे टाँके लगाते हुए इसको अच्छे से यहाँ पर सिक्योर कर कर अटैच करेंगे ताकि वॉश करने के बाद हमारी लेस ख़राब ना हो। तो आप इस तरीके से लेस को अच्छे से यहाँ पर अटैच कर लें। ये देखिए पूरे ही फ्लावर के मैं अच्छे से चारों तरफ इस पर सिलाई लगाएंगे। छोटे छोटे टाँके लगाते हुए यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरे ही फ्लावर पर ऐसे ही स्टिच कर लिया है। अब बाकी के पूरी लेस को ऐसे ही हमें यहाँ पर टाँके लगाते हुए अटैच कर लेना है। पहले यहाँ पर हमने सेंटर पर सिलाई लगाई, उसके बाद सुई धागे से इन पर टाँके लगाते हुए इनको अटैच कर लिया। तो यहाँ पर हमारा जो नेक है वो तैयार है। तो हमने नेक तैयार कर लिया। अब हम इसके साइड में जो ये फैब्रिक है, ये देखिए साइड से हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। हम इसके चारों तरफ इसको ऐसे ही फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। फोर साइड हम इसको स्टिच करेंगे। पूरे को ऐसे ही बारीक फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से दो बार यहाँ पर फोल्ड करेंगे
और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से दो बार मोड़ते हुए सिलाई लगा कर तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमने पूरे काफ्तान को साइड से फोल्ड करके स्टिच कर लिया है और इस पर लगाने के लिए मैंने ये लेस ली है। टोटल यहाँ पर मैंने ये 6 मीटर लेस ली है। इस लेस को यहाँ पर हम चारों तरफ इसके लगाकर हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए इसको नीचे की साइड इस तरीके से रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। नीचे की साइड रखते हुए यहाँ पर हमें लेस को अटैच करना है। यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए हम इसके चारों तरफ काफ्तान के अपनी लेस को अटैच कर लेंगे। फैब्रिक के नीचे की साइड लेस को रखते हुए हमें यहाँ पर लेस को अटैच करना है। ये देखिए फैब्रिक के अंदर की साइड यहाँ पर हमने लेस को इस तरीके से रखा, यानी कि बैक साइड पर रखते हुए लेस पर सिलाई लगाकर इसको चारों तरफ ऐसे ही अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी यहाँ पर लेस ये आपको नज़र आएंगे स्टिच होने के बाद। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये लेस को अटैच कर लिया है। इस तरीके से जो हमारी लेस है पूरे काफ्तान पर मैंने इसको चारों तरफ सिलाई लगाकर यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमारी लेस भी अटैच हो चुकी है, तो अब हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने ये फिटिंग का निशान लगाया था, इस निशान से हम नीचे तक ऐसे ही यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी जो हमने निशान लगाया था, इसी निशान पर हमें यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगाकर हम अपने काफ्तान को तैयार करेंगे। यहाँ से ऊपर से सिलाई लगाएंगे और नीचे तक, ये देखिए यहाँ तक हमें इस पर सिलाई लगानी है। बिल्कुल मिलाकर यहाँ पर रखेंगे बराबर और तब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड ऐसे ही सिलाई लगाकर हमें अपने काफ्तान को तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर काफ्तान पर भी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। ये देखिए दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगाकर हमने काफ्तान को तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से जो काफ्तान है वो हमारा तैयार है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पर हमने इसके साथ बॉक्स प्लेटेड गरारा तैयार किया है, जिससे इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। आप इसको ट्राई कीजिए, पहनकर कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा गाइज। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए गाइज। आज के लिए बस इतना ही, न्यू वीडियो में फिर मिलूंगी कुछ डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।